तो मैंने आपके लिए कुछ वहां से जलेबियां ले ली, अगर आप जलेबियों को खा लेंगी तो ये तर जाएंगी। हाँ भरभूति जी, हम ना ही खाएंगे इसे। भाभी जी क्यों नहीं खाएंगी? भाभी जी अगर आप खा लेंगी तो ये जलेबियां तर जाएंगी। भाभी जी और भरभूति जी कहा है ना, आज हमारा व्रत है और हम चांद को जल चढ़ाने के बाद ही व्रत तोड़ सकते हैं। भाभी जी आज आपने कौन सा व्रत रख लिया? अब वो कहा है ना, सावन का पूर्णिमा है और अम्मा जी ने कहा है कि आज के दिन हम निर्जल व्रत रखेंगे ना तो लड्डू के भैया का उम्र लंबा हो जाएगा। भाभी जी हम भी कोशिश करेंगे कि जब तक चांद ना दिखे हम भी ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं। आप कहा है? भाभी जी कोई किसी की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहा है और हम उस व्रत रखने वाले की लंबी उम्र के लिए रोजा रख रहे हैं। आप कहा बोलते हैं, हमको कच्चू समझ में ही ना ही आता है। भाभी जी भी कितनी तो तुझे कोई और जगह ना मिली, तू नहीं लगा ली रेडी भाभी जी के घर के सामने? और जाके मर जा मोहल्ले में। देख रहा है मैं बात कर रहा हूँ एक मासूम महिला से, कूड़े रगड़ रहा पीछे से। मैं कुछ बोल तो सही, क्यों और जाके मर जा? Not reacting. मैं कुछ बोल ले मुंह से फूट ले, पूरा मूड खराब कर दिया यार। गुप्ता इंडस्ट्रीज में पियोन की नौकरी, सैलरी 10,000 रुपये महीना और कंपनी आने जाने के लिए साइकिल भी दी जाएगी। क्या बुरा है, महीने के महीने घर में 10,000 रुपये आ जाएंगे। लेकिन विभू को कौन समझाए, उसके लिए तो ये जॉब उनके शान के खिलाफ हो जाएगी। हाँ अनु डार्लिंग, देखो मैं दूध ले आया। हाँ हाँ बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं आप। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो क्या कहूँ विभू, अरे तुम कब तक दूध लाते रहोगे, बर्तन धोते रहोगे, कपड़े धोते रहोगे? तुम इसी चीज के लिए पैदा हुए हो क्या, बताओ? ये भी तो काम ही है और इंसान ही करते हैं ये काम भी। इसका मतलब ये है कि तुम्हें इन सब कामों में मजा आता है ना? अरे किस कमबख्त को चौका बर्तन और कपड़े धोने में मजा आता है, वो तो मजबूरी है, क्या करें, बीवी डांटेगी भड़केगी और क्या। अरे तो बाहर जाओ काम करो, किसने रोका है तुम्हें? मैंने थोड़ी ना रोका है। लेकिन जॉब तो मिले यार, कम से कम जॉब तो होना चाहिए ना। एक है एक जॉब करोगे? अगर जॉब अच्छा है तो आई डोंट माइंड, लेकिन जॉब क्या है? 10,000 रुपए की सैलरी है मंथली। 10,000 रुपीज पर मंथ मतलब 1,20,000 रुपीज पर एनम। अरे भाई जॉब क्या है? और ऑफिस आने जाने के लिए साइकिल भी देंगे। साइकिल? जॉब क्या है? यही नहीं, तुम्हें दिवाली और होली के ऊपर कंपनी बोनस भी देगी। बोनस? जॉब क्या है? अरे कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, वही है जो तुम घर पे करते हो। मतलब कामवाली का जॉब है? विभू समझो, कामवाली का जॉब नहीं है, पियोन का जॉब है, ऑफिस पियोन। एक्सक्यूज मी अनु, मेरी लुक्स देखो, मेरी पर्सनैलिटी देखो, मेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी देखो, और एक चॉकलेट बॉय एक पियोन का काम करेगा? कम ऑन, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, आई एम रियली सॉरी। ओके भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए बैठिए। उनकी कमी थी, ये भी आ गए मनुष्य। पैर पे चढ़ गए आप? ओहो माफ कीजिएगा। कहिए कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं, आपके लिए जॉब लेकर आए हैं। जॉब कहाँ है? गुइयों के खेत में? गुइयों के खेत में नहीं, दुबई में। वाओ तिवारी जी जॉब दुबई में है? भाभी जी आपने हमें कहा था ना कि हम भभूति जी के लिए कोई अच्छा सा जॉब देखें। ऑफ कोर्स यस। तो हमारे एक मित्र है दुबई में, शेख अय्याश बिन शौकीन, उन्हीं से बात की है। शेख अय्याश बिन शौकीन? हाँ बड़े अय्याश तबीयत के इंसान है, 2 महीने में 2 लाख देंगे भाभी जी। लेकिन जॉब क्या है? बस आपको उन्हें संतुष्ट करना है।
मैं इसका क्या मतलब निकालूं? मतलब अपने काम से उन्हें संतुष्ट करना है। लेकिन काम क्या, ये तो बताइए। बस जैसे शोले फिल्म में ठाकुर साहब का सेवक था रामलाल, तो बस रामलाल टाइप का ही जॉब है। मतलब इसका मतलब ये कि शेख साहब के हाथ कटे हुए? नहीं नहीं, शेख साहब के दोनों हाथ सही सलामत है। थैंक गॉड, सोच के घिन आ रही थी, पता नहीं क्या करवाए। तो तिवारी जी, मतलब विभू का थोड़ा बाहर का फील्ड का जॉब होगा? नहीं भाभी जी, बेडरूम में। जी बेडरूम में? मतलब बेडरूम में एक तिजोरी है। हाँ। तो जो जो भी हिसाब किताब है वो करके उसे दोबारा तिजोरी में रखना है। ओह, यू मीन अकाउंट्स का काम? दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा है। बस भाभी जी, वो इंडिया आने वाले हैं। हाँ। भभूति जी का इंटरव्यू करवा देंगे, इंटरव्यू में अगर ये पास हो गए तो बस सीधा दुबई। प्लीज तिवारी जी, एक्चुअली दैट्स रियली ग्रेट। आप देखिए ना विभू, कितनी जरूरत है। जी शेख अय्याश साहब को भी भभूति जी जैसे कटीले नौजवानों की बड़ी जरूरत है। तिवारी जी, आप तो बहुत खुशखबरी लेकर आए हैं। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये आपके जो शेख अय्याश बिन शौकीन हैं जी, ये करते क्या हैं? बस जो भी करते हैं प्यार से करते हैं। मैं इसका क्या मतलब निकालूं? मतलब इनका जो भी कारोबार है वो बड़े प्यार से करते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये क्या कारोबार करते हैं? इनके तेल के कुएं हैं। ओह माय गॉड, इज अ बिग शॉट, ये तो बड़ा आदमी है। कोई जरूरी नहीं है कि वो मुझे अपना पीए रख ही लें। बिल्कुल नहीं, वो आप ही को अपना पीए रखेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं इतने कॉन्फिडेंस से? क्योंकि हिंदुस्तानी लौंडे उनकी कमजोरी है। मैं इसका क्या मतलब निकालूं? मतलब हिंदुस्तानी नौजवानों का काम उन्हें बहुत पसंद है ये। तिवारी जी, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर मैं दुबई जाऊंगा तो जाने से पहले मैं उस शेख को अच्छी तरह से ठोक बजा के देखूंगा, फिर जाऊंगा। जी वो भी आपके साथ कुछ ऐसा ही करेंगे दुबई ले जाने के बाद। जी अरे आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए ना, क्या सवाल पे सवाल। हाँ देख के आइए जरा, चाय बनी कि नहीं, जाइए। सब क्वालिटीज है। अब 2 महीने तक भभूति जी शेख साहब को कंपनी देंगे और हम यहां भाभी जी को कंपनी देंगे, मजा आ जाएगा। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरे जाना, सीने से लग जा तू, आके मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। भाभी जी वो देखिए, चांद निकल आया है। वो चांद ना ही है तो फिर कौन है? चांद छुपा बादल, जाने जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। अभरभूति जी, अभरभूति जी, अभरभूति जी, हेलो भाभी जी, हेलो। भरभूति जी कैसे बा? आई एम फाइन भाभी जी। भाभी जी जलेबी ले आओ, जलेबी। नहीं नहीं भरभूति जी, अब तक चांद ना ही दिखा। भाभी जी हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहाँ है, हमको ना ही दिखाई दे रहा है। अपने सामने एक आईना रख लीजिए, आपको भी चांद नजर आ जाएगा। क्या बोले? मैंने कहा चांद क्यों नजर नहीं आ रहा है? देखिए ना कितने बादल छाए हुए हैं, इसलिए ना ही नजर आ रहा है। अभी फिलहाल बादलों के छटने के आसार जरा कम नजर आ रहे हैं।
अभी जी आप मेरी बात मानिए, आप एक काम कीजिए, आप चांद का मन में ध्यान कीजिए, समझ लीजिए कि मैं चांद हूँ और आप जल चढ़ा दीजिए। नहीं नहीं, जब तक चांद को ना ही देखेंगे हम व्रत ना ही तोड़ेंगे। ओ भाई अंगूरी, भाई हमारा व्रत तो पूरा हो गया। मतलब ये कि हमें बहुत जोर से भूख लगी थी इसलिए हमने पेल के खाना खा लिया। छी 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 छी। यूं जनाब ये क्या छी 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 कर रहे हैं? भाभी जी ने आपके चक्कर में अन्न का दाना तो क्या एक घूंट पानी नहीं पिया है और आप इतना खाना ठूस के आ गए अपने मटके जैसे पेट में, आपको शर्म नहीं आई? जनाब आप होते कौन है हमारे मामले में दखल अंदाजी करने वाले? हम पड़ोसी होते हैं। अगर पड़ोसी है तो पड़ोसियत की चादर में रहिए और हम पे इल्जाम लगाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए। माफ कीजिएगा, मैं क्या झांक के देखूं अपने गिरेबान में? यही कि बेचारी भाभी जी आपके चक्कर में कितना परेशान रहती है। एक्सक्यूज मी, अनु मुझसे बहुत खुश है, शी इज वेरी हैप्पीली मैरिड, वी आर अ हैप्पीली मैरिड कपल। ओह, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अंगूरी हमसे खुश नहीं है? हा? बिल्कुल खुश नहीं है, वो अपनी जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जी, हम लड्डू के भैया के साथ बहुत खुश हैं। भाभी जी, इन्होंने ऐसे कौन सी परफॉर्मेंस कर दी, ऐसे कौन से खेल खेल लिए जो इतनी खुश है आप इनके साथ? अरे तो आपने कौन सा भाभी जी के लिए ताजमहल बना दिए? एक्सक्यूज मी, अनु के लिए मैं खुद जीता जागता ताजमहल हूं। आप ताजमहल नहीं है, आप हवा महल है। दरअसल आपके अंदर कुछ नहीं है, खोखले हैं आप, सिर्फ हवाबाजी करते हैं आप। अरे अरे, क्या क्या शोर हो रहा है ये सब? अंगूरी जी हेलो, अनीता जी हेलो हेलो। भाभी जी ने घर के कामों में बिजी रखा करिए ना। अरे तिवारी जी, ऐसी क्या बात हो गई? देखिए ना, डिस्टर्ब करने चले आए। क्या कह रहे हैं तिवारी जी, व्हाट इज दिस? कम ऑन अनु, बेचारी भाभी जी ने इस आदमी के चक्कर में सुबह से अन्न का दाना तो क्या एक घूंट पानी नहीं पिया और ये आदमी ठूस ठूस के आया नीचे से खाना, देखे पेट भरा हुआ इसका और आके भाभी जी के कान में डकार मार रहा है। भाभी जी, शी लॉस सो मच ऑफ वेट, सूखे कांटा हो गई है बेचारी। तुम क्यों इतना फपल रहे हो? तुम भी तो यही करते हो। मैंने क्या किया? अरे पिछली बार तुम्हें याद नहीं है, मैंने करवा चौथ का उपवास रखा था, सारा दिन मैं भूखी प्यासी बैठी हुई थी और तुम मेरे पीठ पीछे छुप छुप के बर्गर दबा रहे थे। That's what you do. That's what you always do. बहुत सही कहा भाभी जी, बहुत सही कहा आपने। तिवारी जी आप रहने दीजिए, आप सारे पति एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अंगूरी जी ठीक कह रही हूँ ना मैं? सही पकड़े हैं। ओके भाभी जी, गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए चलिए, गुड नाइट। अंगूरी जी अब आप ना खाना खा लो। ना ही अनीता जी, जब तक चांद ना ही दिखेगा हम खाना ना ही खा सकते, हमारा व्रत पूरा ना ही होगा। अच्छा चलिए, अब मैं आपकी आस्था के लिए तो कुछ नहीं बोलूंगी। विभू, तुम खाना टेबल पे रखा है, खाकर फ्रिज में रख देना, हाँ मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आप भी जाइए, सो जाइए। काश कि मैं चांद। पता नहीं चांद कब निकलेगा, आप फिर से देखते हैं। विभूति, you're so smart. भाभी जी एक बात कहूं, चांद आपके सामने कुछ भी नहीं क्योंकि चांद में दाग है, लेकिन आप में आग है।
सक्सेना के बच्चे, ये क्या किया तूने? आई लाइक इट. वैसे भैया ये आप कर क्या रहे हैं? यानी मेरी सीधी साधी भाभी माँ को उल्लू क्यों बना रहे हैं आप? हैं? मुझे तेरी दादी माँ में कोई इंटरेस्ट नहीं है. इडियट कहीं का. ओह गॉड. दादी माँ, मैंने तो भाभी माँ कहा था. आई लाइक इट. फिर से कहाँ भाग गया चांद? हाँ, बादलों में छिप गया होगा. कोनो बात ना ही, हमारा वट तो टूट गया. हाँ. वो तुम इतने फिलफिले क्यों हो रहे हो? कहाँ चला गया विभू? इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? मैं कहाँ चूम रहा हूँ? मैंने कब कहा कि तुम चूम रहे हो? वैसे आइडिया अच्छा है. अच्छा मैंने पहना हुआ. गुड नाइट. यार ये मेरे कानों को क्या हो गया? कल रात से कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा है. कहीं भाभी जी ने मिल जाए बस. निकल लेता हूं पतली गली पकड़ के. भाभी जी. अरे भाई, आवाज लगा दी होती आपने, उससे क्यों बुलवा रही? हमारे बीच में क्या पर्दा है? हाँ, कोई पर्दा नहीं है. एनीवे, हाउ आर यू? भरभूति जी, हाउ आर यू? लव यू टू. क्या बोले? मंडोले तंडोले, दिल का गया करार रे. अब कौन बजाए बांसुरिया? सुना है आप नौकरी ढूंढ रहे हैं. छोकरी तो एक ही है भाभी जी. जी क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हम मर रहे हैं और वो डर रहे हैं. सुबह सुबह पी रहे हैं क्या? जी रहे हैं आपके हसीन साहेब हैं. भरभूति जी आप क्या बात कर रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अब पहले से ही हमको बहुत टेंशन है. अब पता है कल रात को हमको बहुत भयानक सपना आया. सुना है का? ठीक बात सुनाते है. उका है ना, घर के अंदर डाकू घुस आया बिल्कुल गब्बरवा जैसा और लड्डू के भैया को उठा के ले गया. उनके दोनों हाथ काटे और उनसे भीख मंगवा रहा था. बड़ा फनी जोक. अब भरभूति जी गब्बरवा जैसा डाकू घर के अंदर घुसा, लड्डू के भैया को उठा ले गया, उनके हाथ काट दिए, उनसे भीख मंगवा रहा था. ये क्या आपको जोक लग रहा है? जोक? बहुत फनी जोक है भाभी जी. क्या जोक सुनाया? पागल हो गए क्या? घायल हो गए. अभी से नहीं, बहुत पहले से घायल हैं. अब ये मत पूछिएगा कि किसने घायल किया है. अब भरभूति जी हमको आपसे बात नहीं करनी है, जाइए. भाभी जी नाराज क्यों हो गई? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अरे सक्सेना, कान के पर्दे में मारी है कमीने ने, कुछ समझ नहीं आ रहा.
विभु तुम कहाँ थे भाई? मैं कब से तुम्हारा नाश्ते पे इंतजार कर रही हूँ। तुम रास्ते में मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम रास्ते में मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अभी भी क्या ड्रामा है हा? तुम रोज नए नए ड्रामे करते हो ना मुझे सताने के लिए। पटाने के लिए? मैं तुम्हें पटाने के लिए ड्रामा क्यों करूंगा यार, तुम तो पटी पटाई हो यार, यू आर माय वाइफ। ओके क्या मजाक कर रहे हो विभू, क्या मजाक है ये सुबह सुबह। अच्छा छोड़, अच्छा सुनो मेरी ध्यान से बात सुनो, तिवारी जी अभी यहाँ आने वाले हैं उस शेख के साथ, ठीक है, और वो तुम्हारा शायद यहाँ पर इंटरव्यू लेंगे अभी। सभी प्रिपेयर्ड। केक? नाश्ते में केक है? विभू बी सीरियस। हाँ आइए शेख साहब आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। भाभी जी, आप शेख अय्याश बिन शौकीन फ्रॉम दुबई। आदाब। और ये हमारी भाभी जी हैं अनीता मिश्रा। वल्लह तिवारी, भौजी तो बहुत भूरी होती। जी कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत गोरी हैं। नहीं नहीं वो छोड़िए, लेकिन ये बोल रहे हैं भौजी और भूरी, ये तो भोजपुरी शब्द होते हैं ना। हमारी अम्मी जान भोजपुरी होता और अब्बू जान अरबी होती। बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है वैसे। माल किधर होती? माल